नो फ्यूल फॉर माइनर्स, आप ये समय स्क्रीन पर देख रहे हैं जम्मू का पहला पेट्रोल पंप जिसकी तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको बताते चलूं कि जिस प्रकार लगातार माइनर्स जो हैं सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं, कई सारे माइनर्स की जान चली जाती है, बच्चों की जो सड़क हादसा में शिकार होते हैं, और उनके लिए एक अब ये पेट्रोल पंप ने एक मुहिम छेड़ी है कि माइनर्स जो हैं वो जिस तरीके से अब गाड़ी निकालते हैं घर से, और पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं अब पेट्रोल पंप ने जो है इनिशिएटिव ले लिया है। पेट्रोल पंप जम्मू का पहला पेट्रोल पंप इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से अगर माइनर्स जहां आते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, अगर छोटे बच्चे यहां पर स्कूटी लेकर आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, बाइक लेकर आते हैं यहां पर तेल भरवाने के लिए, तो इस पेट्रोल पंप पर उन्हें तेल नहीं मिलेगा, बिल्कुल उन्हें तेल नहीं मिलेगा। और इसी तरह का हर एक पेट्रोल पंप में ऐसे पोस्टर लग रहा होना चाहिए ताकि तमाम जितने भी बच्चे हैं जो कि घर से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और पेरेंट्स करते हैं कि हमारी बात बच्चे नहीं सुनते हैं, उसके बाद सड़क हादसा होता है और सड़क हादसे में कई सारे लोगों की जान चली जाती है। बिल्कुल इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि हालांकि कश्मीर की बात बंद कर दिया है, बच्चों को तेल देना पेट्रोल भरवाना बंद कर दिया है, और अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू से भी सबसे बड़ी खबर इस समय आपको बताते चले कि जम्मू का यह पहला पेट्रोल पंप है, यहां पर अगर माइनर्स तेल के लिए आते हैं, बच्चे यहां पर तेल के लिए आते हैं, तो उनको यहां पर पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चे यहां पर आते हैं तो बिल्कुल सही निर्णय जो है पेट्रोल पंप द्वारा लिया गया है, और पेट्रोल पंप के मालिक को हम सराहना करेंगे, उसकी उनकी तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अगर यहां पर माइनर्स पेट्रोल के लिए आते हैं तो उनको तेल जो है यहां पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है, आप तमाम लोगों तक ये खबर पहुँचाना ज़रूरी था ताकि जम्मू के तमाम जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो जो हैं तमाम जम्मू के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो जो हैं वो जिस तरीके से ताकि सारे जो जितने भी हमारे जम्मू की बात की जाए तो जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहां पर ये माइनर बच्चों को तेल डालना जो है नहीं दिया जाए। सर क्या नाम आपका? सर जिस तरीके से बच्चे सड़क हादसे का शिकार हुए हैं, पहला पेट्रोल पंप है जहाँ पर माइनर बच्चों को जो पेट्रोल है वो नहीं दिया जा रहा, ऐसा होना चाहिए सभी पेट्रोल होना चाहिए, हर जगह ऐसा होना चाहिए, फिर बच्चे जो हैं सड़क हादसे का शिकार नहीं होते। कुछ कहना चाहोगे बच्चों के लिए? तो चलिए इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको पेट्रोल पंप के अंदर के दृश्य जो है आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिस प्रकार अगर सभी जम्मू के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो इनिशिएटिव ले लेंगे, अगर वो जो हैं बच्चों को जो है पेट्रोल नहीं देंगे तो फिर बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जब इस तरीके से चलिए बातचीत भी करेंगे, काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चों को जो है जो गाड़ियाँ जो है दी जाती हैं, फिलहाल बड़ी खबर है आप तक साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरीके से बच्चों को जो है पेरेंट्स जो हैं रोकते तो हैं, बच्चों को रोकते हैं कि आप जो हैं वो लेके नहीं जाओ, स्कूटी नहीं लेके जाओ, गाड़ी लेकर नहीं जाओ, लेकिन बच्चे जो हैं आजकल के वो नहीं मानते हैं। और उसके बाद ये खबर आती है घर पर कि एक सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में बच्चे जो हैं घायल हो गए हैं, बच्चे घायल हो गए हैं, और कई बार तो इतनी दुखद खबर सामने आ जाती है कि बच्चों का सड़क हादसे में उनकी जान चली गई है, कई सारे बच्चे जो हैं वो इस तरीके से सामने आते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे बच्चों को बिल्कुल तेल अब नहीं देना जाना, ये आपका पहला पेट्रोल पंप है जम्मू में? हाँ बिल्कुल ठीक है, हम नहीं देंगे, उनको देख के बोल देंगे, मना कर देंगे कि आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेरेंट्स से कोई अपील करेंगे जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं देखते हैं? उनको चाहिए पेरेंट्स को कि उसको बच्चे को गाड़ी नहीं देनी चाहिए बिना लाइसेंस के। आपका पहला पेट्रोल पंप है जम्मू में जो तेल नहीं दे रहा है, ऐसे जम्मू में और भी कई सारे पेट्रोल पंप रहेंगे जो तेल नहीं देंगे? हो सकता नहीं, हाँ हाँ हमें देख के तो फिर सभी मना करेंगे ना। हाँ जी, तो आपको बताते चलें कि कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि कोशिश करेंगे बातचीत करने का प्रयास करेंगे उनसे कि जिस प्रकार तेल की बात की जाए तो अगर उन्हें पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कितना अच्छा इनिशिएटिव ये पेट्रोल पंप ले रहे हैं? बड़ी अच्छी गल है महाराज, बहुत अच्छी गल है। जो छोटे बच्चे तेल तुम कह रहे हो कि बगैर लाइसेंस जो बच्चे गड्डियां चला रहे हैं तेल पवा रहे हैं, तुहाडे वास्ते बहुत अच्छी गल है। असं बच्चों भी गल कहते हैं कि बगैर लाइसेंस तो व्हीकल मत चलाओ, अगर तुम्हारी उम्र 18 साल है 18 साल की उम्र तो बच्चे घट गड्डी नहीं चलाओ, तो तेल नहीं मिलना चाहिए।
पेरेंट्स से अपील करेंगे कोई पेरेंट्स ले जाते ये सब झूठ है, पेरेंट्स को पता होता है, पेरेंट्स ही चाबी देते हैं बच्चों को, खुश होते हैं कि हमारे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उन पेरेंट्स को मैंने बोलना चाहता हूँ, इस चीज के लिए मत खुश होइए, क्योंकि थोड़ी सी खुशी के लिए आपको दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि कानून सबके लिए एक है। मैं सब माँ बाप से अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को गाड़ियाँ मत दो, सबसे बड़ा जुल्म तो आप कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को बाइकें लेके दी हुई हैं, गाड़ियाँ लेके दी हुई बिना लाइसेंस के। बस मैं माँ बाप से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को गाड़ियाँ मत लेकर दीजिए। हमें लग रहा है ये पेट्रोल पंप देखकर बाकी पेट्रोल पंप भी जो है आप तेल नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे हमारा जो पेट्रोल पंप एचपी का यहाँ पेट्रोल पंप है, ये सबसे बेस्ट पंप है। अगर आपने इस पंप पे इंटरव्यू की ये बात की है, जो भी ये इस पंप के बारे में देखेगा वो सब अपने अपने पंप को करेंगे। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आपको बताते चलूँ कि जिस प्रकार जो माइनर्स हैं लगातार सड़क हादसे को शिकार हो रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए ताकि सड़क हादसों में उनकी जान ना जाए, जिस तरीके से लगातार आपके घाटी की बात की जाए, जम्मू की बात की जाए, तो जगती नगरोटा में इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ था, 3 बच्चे उसमें उसकी जान चली गई थी सड़क हादसे में, और अगर बच्चों को पेट्रोल पंप तेल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो ये सड़क हादसे जो है रुकेंगे बिल्कुल, फिर सड़क हादसे रुकेंगे, और इस तरीके से जो सड़क हादसों में कई सारे लोगों की जान चली जाती है उसमें भी जो है बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल इस समय की बड़ी खबर थी कि जम्मू का एक ऐसा से पहले इनिशिएटिव लिया है कि माइनर बच्चों को पेट्रोल नहीं देना है, और अगर बच्चों को पेट्रोल ही नहीं दिया जाएगा तो बच्चे जो हैं गाड़ी नहीं चला पाएंगे, और इससे काफ़ी सारा फर्क जो है पड़ने वाला है। बिल्कुल इस समय की बड़ी खबर थी आपके सामने रखी है, किस तरीके से घाटी में भी ये हो चुका है, अब जम्मू में भी धीरे धीरे ये होने लगा है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है आप तमाम लोगों के लिए। इसलिए आपको कहेंगे कि जितना हो सके इस खबर को शेयर करिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स अपनी राय रखिएगा, अपने बच्चों को अगर वो छोटे हैं लाइसेंस नहीं है तो गाड़ियाँ नहीं दीजिए उनको, क्योंकि खतरा है, और खतरे में कई बच्चों की जान जा चुकी है, और कल को आपका बच्चा भी इस तरीके से अपनी जान ना गंवाए। इसलिए आपसे अपील करते हैं कि अपने बच्चों को व्हीकल्स ना दीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। देखते रहें परफेक्ट एम्बुलेंस, मेरे कैमरा पर्सन अनमोल, और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।